एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर में बस पॉपुलेशन अभी डिस्कस करनी है, एक ही टॉपिक है पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, तो अर्नेस्ट हेगल ने किया था। फादर ऑफ इकोलॉजी अगर पूछा जाए तो रेटर है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। अब इकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट, इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, किस चीज़ की स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे इंटरेक्शन का, किसके बिटवीन इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे, एमंग द ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से ही इंटरेक्शन है तो इसकी स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन है तो उसकी स्टडी इकोलॉजी में करेंगे, ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, ए बायोटिक एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म या बिटवीन ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक एनवायरमेंट के बिटवीन इंटरेक्शन, इसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद द फोर लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बायोम। यहाँ पे दो स्टीफन शेटी ने मिस क्या कर दिया है, नहीं बताया है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कंबाइंड करके पॉपुलेशन बनाया, पॉपुलेशन कंबाइंड करके क्या बनाती है, कम्युनिटी, कम्युनिटी और कम्युनिटी मिलकर बनाती है इकोसिस्टम, देन आता है बायोम, और बायोम के बाद आता है, बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेचर में, नेचर में इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी ऐसी स्पीसीज का कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो कि आइसोलेटेड हो, रेयरली ही ऐसा मिलेगा जो कि आइसोलेटेड रहता हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज लाइव होती हैं ग्रुप में और एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं, शेयर करती हैं सिमिलर रिसोर्स, सिमिलर रिसोर्स को शेयर करती हैं, तो सिमिलर रिसोर्स के लिए कंपीट करती हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग भी करती हैं आपस में, तो ये सब मिलकर क्या बनता है पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो स्पीसीज होती हैं ग्रुप में रहती हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में, सिमिलर रिसोर्स के लिए शेयर भी करती हैं, कंपीट भी करती हैं, पोटेंशियली एक दूसरे से इंटरब्रीड भी करती हैं, तो इस प्रकार से बनता है एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंप्लाइज किया गया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का जो रिजल्ट होता है वो फ्रॉम द इवन सेक्सुअल, फ्रॉम इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो जनरली कंसीडर ए पॉपुलेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप पॉपुलेशन दे रखा है, ऑल द कर्मोरेंट इन द वेटलैंड, ये हो गया किसका पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का एग्जांपल हो गया, रेट्स इन द एबेंडोनेड ड्वेलिंग, ये दूसरा एग्जांपल हो गया पॉपुलेशन का, टीकू ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट एंड बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया है तो वो कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का एग्जांपल हो गया, कोई पॉन्ड से तालाब है उसमें लोटस प्लांट है तो वो उस पॉन्ड्स में लोटस प्लांट की पॉपुलेशन हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पे जो बर्थ और डेथ टर्म है, बर्थ और डेथ टर्म ये इंडिविजुअल करता है, अगर इंडिविजुअल टर्म, अगर इंडिविजुअल के लिए हम यूज करेंगे तो इंडिविजुअल या तो बर्थ करेगा या तो उसकी डेथ होगी, लेकिन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन में रेट देखते हैं, पॉपुलेशन में बर्थ रेट देखेंगे या डेथ रेट देखेंगे, कोई भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन की, उस पॉपुलेशन में डेथ रेट कैसी है, कितनी है या बर्थ रेट कितनी है ये देखा जाता है। और इन पॉपुलेशन दीज रेट रिफर टू द पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, रेट एक्सप्रेस आर चेंज इन द नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, रेट का एक्सप्रेस करता है कि कितना जो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो मेंबर है, पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल हैं उनका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से रेट होगी, रेट इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। यहाँ एग्जांपल से समझाया गया है कि एक बार जो है बर्थ रेट को दिखाया गया, एक बार डेथ रेट को दिखाया गया है, तो एक पॉन्ड्स का एग्जांपल लिया गया है, पॉन्ड्स में लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट हैं और रिप्रोडक्शन करके 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए तो करंट पॉपुलेशन 28 हो गई, तो यहाँ पे हमको बर्थ रेट कैलकुलेट करना है इस पॉन्ड में लोटस प्लांट की, तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा, कितने न्यू प्लांट ऐड हुए हैं लोटस प्लांट, पॉन्ड्स में 8, तो 8 अपॉन इनिशियल कितने लोटस प्लांट है 20, तो 8 अपॉन 20 तो आ जाएगा बर्थ रेट कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 20 करेंगे तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस आ जाएगा। तो यहाँ पे पर कैपिटा बर्थ रेट आ गई, तो पर कैपिटा बर्थ रेट निकालने तो उसका फार्मूला आप क्या लगेगा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना हुआ है अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ बर्थ 8 है और इनिशियल पॉपुलेशन 20 था, तो 8 अपॉन 20 करेंगे 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल लिया गया है, अगर इफ फोर इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से, मान लो कि एक वीक में ऐसा हुआ, तो डेथ रेट पॉपुलेशन की निकालनी है, तो डेथ रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेथ रेट का पॉपुलेशन फार्मूला आप क्या यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डेथ रेट इज इक्वल टू आप अप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ द डेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डेड कितना हो रखा है इसमें 40 फ्रूट फ्लाई थे, 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 फ्रूट फ्लाई डाई कर गए तो 4 अपॉन 40 करेंगे, 4 अपॉन 40 कितना जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ये हो गया इसका डेथ रेट हो गया फ्रूट फ्लाई का। तो ये हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने का, कैसे आप निकालेंगे अगर नंबर दे रखा है। तो पॉपुलेशन का एक अनदर करेक्टरिस्टिक है सेक्स रेशियो, बर्थ रेट डेथ रेट हमने देख लिया पॉपुलेशन में, अब पॉपुलेशन में क्या देखा जाता है सेक्स रेशियो, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन में हम देखेंगे सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो कैसे देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल है एंड 40% है मेल है, तो ये हो गया सेक्स रेशियो, 60% पॉपुलेशन का 60% फीमेल एंड 40% मेल है, सेक्स रेशियो हो गया, ये पॉपुलेशन की बात, पॉपुलेशन का फीचर हो गया।
पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एज पिरामिड. एज पिरामिड किसी बोलेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन के लिए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे एज पिरामिड. ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जनरली क्या शो किया जाता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द इन ए डायग्राम. तो यहाँ पर जो शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हम एज पिरामिड ड्रा करें तो इसमें एक ग्रोविंग होता है, दूसरा टाइप का स्टेबल एज पिरामिड बनेगा, तीसरा डिक्लाइनिंग एज पिरामिड बनेगा. तो अगर हम यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे तीन है, तो सबसे जो बेस पे है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाला है, देन रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तीन मेंशन किया गया है पॉपुलेशन में तीन एज ग्रुप को. यहाँ जो पिरामिड है इसमें तीन एज वाले इंडिविजुअल को मेंशन किया गया, एक तो प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स कितनी एज का इंडिविजुअल होना चाहिए, अगर 15 ईयर के बिलो को प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा जाएगा. रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की कैटेगरी में कौन आएंगे, 15 ईयर से 44 ईयर की एज के जो इंडिविजुअल होंगे वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे. और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड इंडिविजुअल, तो अबव द 45 ईयर के एज के जो इंडिविजुअल होंगे वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी में आएंगे. तो अगर एक्सपेंडिंग टाइप का जो एज पिरामिड बन रहा है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कब बनेगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा होंगे, देन रिप्रोडक्टिव होंगे और देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे. तो ये एक्सपेंडिंग टाइप का ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड बनेगा. सेकंड स्टेबल कब बनेगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल होंगे. प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव अप्रॉक्सिमेटली अगर इक्वल हैं तो वो स्टेबल टाइप की ह्यूमन पॉपुलेशन होगी. डिक्लाइनिंग कब होगी, डिक्लाइनिंग में जब रिप्रोडक्टिव मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब यंग और जो चाइल्ड और ओल्ड पर्सन हैं ये कम होंगे और यंगर पर्सन ज़्यादा होंगे तो वो डिक्लाइनिंग टाइप की ह्यूमन पॉपुलेशन होगी. यहाँ तीन टाइप का ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग. ये साइज पॉपुलेशन साइज टेल अस अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. अब जो पॉपुलेशन साइज इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं. जो पॉपुलेशन साइज होती है नेचर में वो लो भी हो सकती है और मिलियंस में भी हो सकती है. लो का एग्जांपल है कि साइबेरियन क्रेन एट द भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर इसका नंबर लेस देन 10 है. और अगर पौंड में क्लाइमेडोमोनास देखें तो ये मिलियंस में इसका क्या होता है, मिलियंस में होते हैं. तो पॉपुलेशन की साइज जो नेचर में होती है लो से लेकर मिलियंस में हो सकती है. लो किसका है और मिलियंस क्लाइमेडोमोनास हो गया. पॉपुलेशन साइज को मोर टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से. जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज नंबर में ही मेजर करें, यद्यपि ये अलग बात है कि टोटल नंबर जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. इन इट इज सम केसेस ये मीनिंगलेस और क्या होता है डिफिकल्ट होता है. इन सम केसेस में अगर हम नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. इन सम केस आदर मीनिंगलेस आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. जैसे इन एन एरिया को एक एरिया है वहाँ पर 200 कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम प्लांट है बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है विथ ए लार्ज कैनोपी के साथ. तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटेड टू द कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडरस्टैंडिंग द enormous role of the banyan in the community. इन सच केसेस द परसेंट कवर आर बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज. तो मतलब इस केस में जब हम बनियान और कैरेट ग्रास देख रहे हैं इस केस में बायोमास मोर मीनिंगफुल रहेगा पॉपुलेशन साइज को मेजर करने के लिए. टोटल नंबर काउंट करके पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड करना, नंबर इज अगेन नॉट इजीली अडॉप्टेबल मेजर. इफ द पॉपुलेशन अगर बहुत ह्यूज है तो जरूरी नहीं कि आप नंबर ही काउंट करो, या काउंटिंग अगर इम्पॉसिबल हो तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी आप नंबर से ही काउंट करो, वेरी टाइम कंज्यूमिंग है तब भी. तो ये कुछ केसेस यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई क्या है कि कोई लेक है, लेक में पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है फिश की, तो पर ट्रैप कितनी फिश कैच हो रही है यही गुड एनफ है पॉपुलेशन डेंसिटी उस लेक में पॉपुलेशन डेंसिटी फिश की मेजर करने के लिए. दूसरा एग्जांपल है अगर टाइगर हमको क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी किसी फॉरेस्ट में देखनी है तो हर टाइगर को जाकर तो काउंट करेंगे नहीं ना. तो क्या करते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी किसी फॉरेस्ट में मेजर करने के लिए टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क में क्या देखेंगे, टाइगर नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में देखेंगे उसके पग मार्क के बेस पे या उसके फीकल मैटर के बेस पे, पग मार्क या फीकल मैटर के बेस्ट पे टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में हमें उस टाइगर का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के मेथड. पॉपुलेशन ग्रोथ में साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी होती है किसी भी स्पीसीज के लिए स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ. पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ चेंज होती रहती है और पॉपुलेशन साइज कई फैक्टरों पर डिपेंड करती है, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है. फूड की अवेलेबिलिटी अगर प्रॉपर है तो पॉपुलेशन साइज ठीक रहेगी, अगर नहीं है तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगी. प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, वेदर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, इस पर भी पॉपुलेशन साइज डिपेंड करेगी. अब वाट एवर माइट बी अल्टीमेट रीजन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन द फोर बेसिक प्रोसेस. तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू चेंज इन द फोर बेसिक प्रोसेस. ये फोर बेसिक प्रोसेस क्या क्या है, जिसके दो इसमें फोर बेसिक में से आउट ऑफ द फोर प्रोसेस दो की वजह से क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है और दो की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है. जैसे कि दो कौन से हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी, नेटिलिटी एंड आई माइग्रेशन.
नेटलिटी एंड आई माइग्रेशन। नेटलिटी एंड आई माइग्रेशन ये दो प्रोसेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। अब पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कौन करता है? डिक्रीज करता है मॉर्टलिटी एंड ई माइग्रेशन, मॉर्टलिटी एंड ई माइग्रेशन। अब ये चार प्रोसेस क्या क्या है? नेटलिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ द बर्थ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड टाइम इन पॉपुलेशन दैट एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मतलब नेटलिटी का हो गया यहाँ पे बर्थ रेट, यानी कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द टाइम में पॉपुलेशन में। मॉर्टलिटी का मतलब नंबर ऑफ द डेथ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन में कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही है। आई माइग्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम इन टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम अंडर द कंसिडरेशन, वो किस आई माइग्रेशन में कंसिडर किए जाएंगे। ई माइग्रेशन का मतलब कि पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैबिटेट से लेफ्ट कर जा रहे हैं, कहीं और चले जा रहे हैं गिवन ए टाइम पीरियड, तो उसको ई माइग्रेशन में कंसिडर किया जाएगा। मतलब नेटलिटी का मतलब कितने बर्थ हुए, मॉर्टलिटी का मतलब कितने पॉपुलेशन के डेथ कर गए, आई माइग्रेशन का मतलब कहीं से भी सेम स्पीसीज कहीं से भी कोई किसी हैबिटेट में। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन है एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ये जो बी प्लस आई है पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करती है और जो डी प्लस ई है पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करती है। यहाँ पे एन टी प्लस वन क्या है? डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन है। और एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी है या ये पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम टी पर। अभी इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि जो बी प्लस आई है यानी कि बर्थ प्लस आई माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कौन करता है? नंबर ऑफ द बर्थ प्लस नंबर ऑफ द आई माइग्रेशन, आई माइग्रेंट है, नंबर ऑफ द बर्थ प्लस नंबर ऑफ आई माइग्रेंट ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये डी प्लस ई यानी कि नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ ई माइग्रेंट ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी को ये डिक्रीज करेगा। बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इन चारों में से देखा जाए बर्थ डेथ आई माइग्रेंट ई माइग्रेंट आउट ऑफ द दीज फोर्स कौन कौन से मोस्ट इन्फ्लुएंस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो बर्थ एंड डेथ मोस्ट इन्फ्लुएंस करेंगे, देन आई माइग्रेंट और ई माइग्रेंट करेंगे। बट अदर टू फैक्टर जो हैं अज्यूमिंग इंपॉर्टेंट ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई न्यू हैबिटेट जस्ट अभी कॉलोनाइज हुआ है वहाँ पे, तब ई माइग्रेशन जो होगा मोर कंट्रीब्यूट करेगा किस चीज़ में? पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करने में, देन बर्थ रेट करेगा। तो ये चीज़ हो गई ग्रोथ मॉडल में। दो ग्रोथ मॉडल देखने हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर जो रिसोर्स है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ये एसेंशियल होती है पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, अवश्य की बात है, पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए रिसोर्स तो होना ही चाहिए। रिसोर्स मतलब फूड और शेल्टर, फूड और स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। आइडियली अगर रिसोर्स हैबिटेट में अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो, तो ईच स्पीसीज अपने फुल पोटेंशियल से, फुल इननेट पोटेंशियल से ग्रो करेगी नंबर में ना। जैसे कि डार्विन ऑब्जर्व वाइल्ड डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक फैक्शन। सीधी सी इसमें यह बोला गया है कि अगर रिसोर्स हैबिटेट में अनलिमिटेड है तो हर एक स्पीसीज अपने इननेट पोटेंशियल से, फुल पोटेंशियल से नंबर में ग्रो करेगी, और जब नंबर में इस हिसाब से ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन जो ग्रो होगा वो एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक फैशन में होगा, एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक फैक्शन में होगा। पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करेंगे एन से, बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और डेथ रेट को रिप्रेजेंट किया गया है डी से। अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन द एन ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड टी पे हो रहा है तो जो रेट होगा पॉपुलेशन डेंसिटी का डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी माइनस डी इन टू एन। यहाँ पे बी माइनस डी क्या है? बी माइनस डी इक्वल टू आर है। और आर यहाँ पे क्या है? बी माइनस डी इक्वल टू आर। आर यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? dn अपॉन dt इज इक्वल टू बी माइनस डी इनटू एन। उसके बाद बी माइनस डी इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू आर क्या है यहाँ पे? इंटरसी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज नीचे है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। ये इक्वेशन मेमोराइज होनी चाहिए। तो आर जो इक्वेशन dn बटा dt इज इक्वल टू आर एन में आर क्या है? इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है चूजन फॉर द असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। आर की वैल्यू, जो आर का मैग्नीट्यूड है, आर की वैल्यू नॉर्वे रेट के लिए ध्यान रखना 0.015 होता है, फ्लोर बिटल के लिए 0.12 होता है। इन 1981 में आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, जो इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आर वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.0205 है। तो 0.0205, 0.12, 0.015 ये तीनों जो जो डाटा है किसके लिए? नॉर्वे रेट के लिए कितना है 0.015, बीटल के फ्लोर बीटल के लिए 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, लेकिन इन 1981 में कितनी थी? 0.0205। तो ये तीनों डाटा मेमोराइज होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन, जो अब इक्वेशन है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ये इक्वेशन की क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है? एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न पॉपुलेशन के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ को डिस्क्राइब कर रही है। अगर इसमें हम प्लॉट ग्राफ करें किसके बिटवीन? एन और टी के बीच, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो जे शेप का कर्व ऑप्टेन होगा, जे शेप का कर्व ऑप्टेन होगा। अब यहाँ पे आप एक कर्व ग्राफ देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, हमने वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है? वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी ले रखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है। तो अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये ग्राफ आ रहा है डी एन अपॉन
इट इज इक्वल टू आर एन। और ये किस टाइप की ग्रोथ मॉडल का कर्व है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का है। कैसा आ रहा है, जे शेप का रहा है, ये जे शेप का बन रहा है, ये जे शेप का बन रहा है। ओके, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। यहाँ के है कैरिंग कैपेसिटी है। अभी इस ग्राफ की बात जब लॉजिस्टिक ग्रोथ देखेंगे तब देखेंगे, अभी ये ध्यान रखना है आपको। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई के पावर आर टी। यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, आफ्टर टाइम टी है, एन नॉट इनिशियल टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब टाइम जीरो पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ई बेस ऑफ द लॉगरिथम है जिसका मान होता है 2.71, तो पता ही आप लोगों को। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है कि नेचर में कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जिसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल हो और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करे। यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स के लिए इंडिविजुअल के बिटवीन कंपटीशन होता है, और जो इंडिविजुअल फिटेस्ट होगा वही इंडिविजुअल सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करेगा, सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। नेचर में क्या होता है कि नेचर में जो गिवन हैबिटेट है, गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्स होता है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट, इनफ रिसोर्स होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है नेचर में, इसके बियॉन्ड कोई भी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, नो पॉसिबल फर्दर ग्रोथ पॉसिबल बियॉन्ड दिस नंबर, मतलब जो भी रिसोर्स है, जितने भी रिसोर्स हैं, एक लिमिटेड रिसोर्स ही है, उसी लिमिटेड रिसोर्स में ग्रो करने हैं स्पीसीज को। तो जो ये लिमिट है नेचर में जो ये रिसोर्स की लिमिट है, इसी लिमिट को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीसीज इन द हैबिटेट। पॉपुलेशन ग्रोइंग इन द हैबिटेट, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स, जो भी लिमिटेड रिसोर्स के साथ, जो लिमिटेड रिसोर्स के हैबिटेट में जो पॉपुलेशन ग्रो करेगी उसमें इनिशियली क्या होगा, इनिशियली लैग फेज से ग्रो करेगी, देन आएगा फेज ऑफ एक्सेलरेशन, देन आएगा फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन, फाइनली वो एसिम्प्टोट पे चली जाएगी। एसिम्प्टोट मतलब जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी, तब जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाएगी तो एसिम्प्टोट आ जाएगा। अगर हम ईयर नो टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में, तो सिग्माइड करवाएगा, तो आप ग्राफ को यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बिटवीन ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये किसके लिए है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, जो बी वाला कर्व है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए है। इसका इक्वेशन है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपन के। यहाँ पे के क्या है कैरिंग कैपेसिटी है, डी क्या है रेट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, के कैरिंग कैपेसिटी यहाँ है। तो इसके ऊपर पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी इनका ग्रो होना ही नहीं है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के लिए जितना रिसोर्स था उतना यूज कर लिया। तो ये रहा लैग फेज, इनिशियली जो होता है लैग फेज होता है, देन लॉग फेज होता है, देन फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ फेज ऑफ डिसेलरेशन होगा, देन असिम्प्टोट आ जाएगा। तो ये चार फेज है इसमें। तो यहाँ पे ये बताया गया कि मोर रियलिस्टिक कौन सा है दोनों में से, मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में से, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो है मोर रियल है, वो आइडियल कंडीशन में एक्सपोनेंशियल, जो कि आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट करती नहीं है, तो मोर रियल कौन सा है, लॉजिस्टिक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की जो बात होगी वो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अपने आप को ऐसे इवॉल्व करना चाहेगी ताकि वो मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करना चाहेगी। और जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है कहाँ, अपने हैबिटेट में, अपने हैबिटेट में जहाँ वो लाइफ, जहाँ वो रह रही है। तो कोई भी पॉपुलेशन है, किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, जहाँ जो उसका हैबिटेट है, जहाँ वो लाइफ है, जहाँ वो रह रही है, उस हैबिटेट में अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए। इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस। इसके लिए उसकी आर वैल्यू क्या हो, हाई होनी चाहिए, हाई आर वैल्यू होनी चाहिए। अंडर द पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर है, प्रेडेटर का प्रेशर है, या कोई भी एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर का प्रेशर, टेम्परेचर हाई या लो हो सकता है, मतलब टेम्परेचर अनफेवरेबल है उस इंडिविजुअल के लिए, या टेम्परेचर का जो भी एबायोटिक फैक्टर है, मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पीएच है, कोई भी जो एबायोटिक फैक्टर है, अगर उस इंडिविजुअल के लिए क्या है, अनफेवरेबल है, तो उसमें वो अपने आप को इवॉल्व करना चाहेगा, या मोस्ट इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाएगा, ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करेगा ऐसे कि ताकि वो मोस्ट इफिशियंटली रिप्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किस टाइप का प्रेशर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार प्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार ब्रीड करते हैं, और वो एग्जांपल उसका है पैसिफिक सलमान फिश एंड बंबू। और कुछ ऐसे हैं जो कि मेनी टाइम ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो मोस्ट बर्ड एंड मैमल जो होते हैं अपनी लाइफ टाइम में मोस्ट टाइम ब्रीड करते हैं। एंड सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग ओइस्टर एंड पेलेजिक फिश, तो ये जो ओइस्टर एंड पेलेजिक फिश होती हैं ये लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग होती है साइज में स्मॉल होती हैं। ये बात कर रहा है इसकी जो आर वैल्यू है हाई है, इसकी आर का मतलब यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो ओइस्टर और पेलेजिक फिश का इसके ऊपर इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो ऑफ स्प्रिंग होती है, इनके ऊपर प्रीडेटर का खतरा होता है, इनको जो प्रीडेटर होते हैं वो खा जाते हैं, तो इसलिए जो ओइस्टर और पेलेजिक फिश हैं ये लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। ये अलग बात है छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो ये हो गया हाई आर वैल्यू। ये अपने आपको इस तरीके से क्या कर रहे हैं अपने ये हाई मोस्ट इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ये क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं अपने आपको, मोस्ट इफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को ये इवॉल्व कर रहे हैं, कौन, ओइस्टर और पेलेजिक फिश। और अदर प्रोड्यूस अदर एक कैटेगरी है बर्ड एंड मैमल की, जो कि स्मॉल नंबर में ऑप्शन प्रोड्यूस करेंगे लेकिन साइज में क्या होंगे, लार्ज होंगे, साइज में ये लार्ज होंगे, क्योंकि इस केस में क्या होता है पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है, उतना प्रेडेटर का खतरा नहीं होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि
ये अपनी जो इनकी इफिशियंट मोस्ट इफिशियंट रिप्रोड्यूस स्ट्रेटजी ये है कि ये स्मॉल नंबर में ऑप्शन प्रोड्यूस करेंगे लेकिन साइज में लार्ज रहेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती ही करती हैं। फॉर एनी स्पीशीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज़ ऑन विच इट कैन फीड, मतलब मिनिमम किसी भी स्पीशीज़ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है ही कि वो किसी अन्य स्पीशीज से इंटरेक्ट करेगी ही अपने आप को ऑन विच इट कैन फीड। यहाँ तक कि प्लांट स्पीशीज़ भी, प्लांट स्पीशीज़ जो कि अपना फूड खुद बनाती है, खुद प्रिपेयर करती है, ये अलोन सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसको भी सर्वाइव करने के लिए सॉयल माइक्रोब्स की नीड्स होती है। सॉयल माइक्रोब्स की नीड कैसे, क्योंकि अगर सॉयल माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है सॉयल में, जो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो फिर नहीं मिलेंगे प्लांट को। जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि टू डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन इंटरेक्शन होता है। पॉपुलेशन के टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस इंटरेक्शन में या तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्पीसीज हैं या तो दोनों दो या तो एक स्पीसीज या दोनों स्पीसीज की इंटरेक्शन में या तो एक स्पीसीज के या दोनों स्पीसीज का बेनिफिट होगा, या दोनों में से एक स्पीसीज को बेनिफिट हो सकता है, दोनों को भी बेनिफिट हो सकता है, या तो दोनों को नुकसान होगा या तो एक को नुकसान, मतलब डिट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसान, या तो एक को नुकसान होगा या तो दोनों को नुकसान होगा, न्यूट्रल का मतलब दोनों को कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान, ये होगा न्यूट्रल। तो इंटरेक्शन ये तीन कंडीशन हो सकती है, जो दो स्पीसीज के बिटवीन, टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें जो दोनों स्पीसीज में से या तो एक स्पीसीज बेनिफिट होगी या तो दोनों स्पीसीज बेनिफिट होगी, या तो एक स्पीसीज का क्या होगा नुकसान होगा या तो दोनों का नुकसान होगा, न्यूट्रल में ना किसी का नुकसान ना किसी का फायदा। तो ऐसे टाइप का इंटरेक्शन में यहां पे जो प्लस साइन इंडिकेट करेगा इंटरेक्शन में वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन को, बेनिफिशियल इंटरेक्शन दिखाएगा, नेगेटिव साइन क्या डिट्रीमेंटल को दिखाएगा, और जीरो जो है न्यूट्रल इंटरेक्शन को शो करेगा। अब स्टेबल में जो दिखाया गया है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को शो किया गया है। स्टेबल में जो इंटरेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे इंटरेक्शन का नेम है म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म है। तो यहाँ पे दो स्पीसीज, एक ए है दूसरी स्पीसीज बी है। तो देखो प्लस प्लस मतलब दोनों क्या, दोनों बेनिफिट, यहाँ पे दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है, इस म्यूचुअलिज्म टाइप इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज क्या हो रही है, बेनिफिट है, दोनों स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा है इस टाइप के इंटरेक्शन में। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, दोनों का क्या होगा नुकसान होगा। प्रेडेशन में स्पीसीज एक का फायदा हो रहा है, स्पीसीज बी का नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म में भी एक स्पीसीज का फायदा दूसरे का नुकसान हो रहा है। कॉमेंसलिज्म में एक का फायदा और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, ना नुकसान ना फायदा। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। तो ये जितने भी टाइप के इंटरेक्शन है इसमें किस टाइप के इंटरेक्शन में किस में बेनिफिट हो रहा है, किस में डिट्रीमेंटल है और किस में न्यूट्रल है, ये देखना, ये चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सो गया म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट होंगी, म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज बेनिफिट होंगे, कंपटीशन में दोनों स्पीसीज का लॉस रहेगा, पैरासिटिज्म में प्रेडेशन में। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, पैरासाइट का फायदा होगा लेकिन होस्ट का क्या होगा नुकसान होगा। ऐसे क्या होता है कि प्रेडेशन में क्या होता है कि प्रेडेशन में एक प्रेडेटर होता है दूसरा प्रे होता है, तो प्रेडेटर का क्या रहेगा बेनिफिट होगा लेकिन प्रे का क्या होगा डिट्रीमेंटल, मतलब कि नुकसान होगा प्रे का। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि कॉमेंसलिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिटेड रहेगी और जो अदर स्पीसीज रहेगी ना ही बेनिफिटेड रहेगी ना ही हार्म होगी। एमेंसलिज्म में क्या रहेगा कि एक स्पीसीज तो हार्म होगी लेकिन दूसरी अनअफेक्टेड रहेगी। यहाँ पे एनसाइटी ने मेंशन किया है कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, इस शेयर एक कॉमन करेक्टरिस्टिक, इसका एक कॉमन करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज रहती हैं वो लाइव होती, क्लोजली टुगेदर एक साथ रहती हैं। प्रेडेशन में क्या होता है कि जो प्रीडेटर और प्रे होता है ये क्या होता है लाइव क्लोजली टुगेदर, ये इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट और होस्ट ये भी क्या होते हैं, ये एक साथ रहते हैं। और आपका कॉमेंसलिज्म में भी ये इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का इंटरेक्शन है प्रेडेशन, प्रेडेशन का मतलब एक का फायदा दूसरा का नुकसान, ये फर्स्ट टाइप का इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन प्रेडेशन है। प्रेडेशन में जैसे आता है यहाँ पे प्रेडेटर और प्रे का एग्जांपल आता है टाइगर और डियर, जैसे कि अगर टाइगर है अगर वो डियर का शिकार कर रहा है तो यहाँ पे टाइगर जो है प्रेडेटर हो गया और प्रे जो है डियर हो गया। ऐसी बात नहीं, सिर्फ यही है, अगर कोई बर्ड जो स्पैरो बर्ड है अगर उस सीड को खा रही है तो स्पैरो यहाँ पे क्या हो गया प्रेडेटर हो गया और सीड यहाँ पे प्रे हो गया। ऐसे हम अगर एनिमल प्लांट को खा रहा है, कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है हर्बीवोर है, तो यहाँ पे एनिमल प्रेडेटर हो गया, जो प्लांट हो गया वो प्रे हो गया। प्रीडेटर का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में, तो प्रीडेटर जो है प्रेडेटर क्या करता है इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखता है, प्रेडेटर इकोसिस्टम को स्टेबल करता है। यहाँ पे इकोसिस्टम इनस्टेबल हो गया है, स्टेबल नहीं है इकोसिस्टम, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो प्रे की पॉपुलेशन है अगर अंडर कंट्रोल है तो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है इकोसिस्टम क्या हो जाएगा इनस्टेबिलिटी इकोसिस्टम में आ जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन द जियोग्राफिकल एरिया, कोई एक्जोटिक स्पीसीज अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड करेगी, स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड बिकॉज इन्वेडेड लैंड डज नॉट
नॉट हैव इट्स नेचुरल, क्योंकि इसका नेचुरल प्रेडेटर उस इन्वेडेड लैंड्स में नहीं था, इसीलिए वो जो इन्वेजिव एक्जोटिक स्पीसीज थी वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर गई। एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाया है कि इन अर्ली 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसने बहुत रैपिडली स्प्रेड किया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंजलैंड में इसने अपने आप को बहुत तेजी से स्प्रेड किया। फिर क्या हुआ, फाइनली इन्वेजिव स्पीसीज प्रिकली पियर कैक्टस ये कैसे अंडर कंट्रोल में आई, यहाँ पे एक कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके नेचुरल हैबिटेट में, तब जाके ये प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल में आई। प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसी डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी बाई कैसे रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग द कंपटेटिंग प्रे स्पीसीज। तो प्रीडेटर क्या करता है, स्पीसी कम्युनिटी में स्पीसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि जो कंपटेटिंग प्रे स्पीसीज के बिटवीन जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन की जो इंटेंसिटी होती है उसको रिड्यूस करके। यहाँ पर रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की एक रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी है, उसमें क्या था, स्टारफिश पिसास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें सभी स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया इंटरटाइडल एरिया से, तो क्या हुआ कि विथ इन ए ईयर मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई, ड्यू टू क्यों, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। अब अगर प्रीडेटर बहुत इफिशियंट है, प्रीडेटर इज टू इफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, प्रे पे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब प्रीडेटर बहुत ज्यादा है, प्रे बहुत कम है, तो प्रे क्या कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, प्रे एक्सटिंक्ट कर जाएगा तो प्रीडेटर भी फाइनली क्या कर जाएगा, फूड लैक ऑफ फूड की कमी से प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा, प्रीडेटर भी मर जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रे स्पीसीज है अपने आप को इवॉल्व करती हैं डिफेंस प्रेडेटर से, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए अपने आप को इवॉल्व करती हैं। कैसे, कुछ स्पीसीज इंसेक्ट और फ्राग की, यहाँ पे कुछ सम स्पीसीज है इंसेक्ट और फ्राग की जो कि कामोफ्लेक्स करते हैं ताकि ये इजिली डिटेक्ट ना हो पाए प्रीडेटर के द्वारा, इजिली डिटेक्ट ना हो पाए, कौन, इंसेक्ट और फ्रॉग। तो इससे क्या, वो इसमें क्या होता है, कामोफ्लेक्स होता है, कामोफ्लेक्स करते हैं कुछ प्रीडेटर, ताकि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो कि पॉइजनस होती है, ताकि प्रीडेटर इनको क्या करे, अवॉइड करें। जैसे कि मोनाज बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रीडेटर के लिए, बर्ड प्रीडेटर इसका होता है, इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी में, मोनाज बटरफ्लाई की बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रीडेटर के लिए डिस्टेस्टफुल होता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो बटरफ्लाई होती है इस केमिकल को एक्वायर कब करती है, अपने कैटरपिलर स्टेज में, कैसे करती है, पॉइजनस वीड को फीड करके। यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, जो प्रीडेटर प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। नियरली 25% ऑफ द ऑल इंसेक्ट जो होते हैं फाइटोफैगस होते हैं, मतलब प्लांट सैप को फीड करते हैं, तो प्लांट के अदर पार्ट को फीड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्लांट जो है, प्लांट एनिमल की तरह तो रन अवे नहीं कर सकता प्रीडेटर से, प्रीडेटर से तो दूर नहीं भाग सकता, तो यहाँ पे प्लांट अपने आप को कैसे इवॉल्व करेगा, वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस होता है प्लांट के पास, ताकि वो हर्बीवोर के अगेंस्ट प्लांट अपने आप को इवॉल्व करता है मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस, वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। तो यहाँ पे जैसे थॉर्न जो होता है एकेशिया कैक्टस में होता है, क्या होता है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस होता है। कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो कि हर्बीवोर को सिक बना देते हैं, अगर हर्बीवोर ने इस प्लांट को खा लिया तो यहाँ तक कि क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इवन वो किल भी, वो मर भी सकते हैं। कैलोट्रॉपिस जो होता है, कैलोट्रॉपिस ग्रोविंग इन द एबेंडोनेड फील्ड, तो कैलोट्रॉपिस क्या प्रोड्यूस करता है, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से कभी भी इसको गोट या कोई भी कैटल जो है इसको कभी भी इस प्लांट को नहीं ब्राउज करता है, कभी इसको नहीं, इस प्लांट को नहीं खाता है। वैरायटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल पर, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ओपियम, ये सब जो प्लांट प्रोड्यूस करता है एक्चुअली अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करता है। कंपटीशन जो इंटरेक्शन होता है इसमें दोनों स्पीसीज का नुकसान होता है, दोनों जो स्पीसीज होती है डिट्रीमेंटल होती है, माइनस इसका साइन हो जाएगा। इट यहाँ पे है कि जनरली क्या होता है, इट जनरली बिलीव, मतलब जो डार्विन स्पोक द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्वीनियंस दैट इंटर स्पीसीज कंपटीशन इज ए पोटेंस फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जनरली जो डार्विन बिलीव दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर द लिमिटिंग, मतलब जनरली ये डार्विन ही बिलीव करते थे जो कंपटीशन होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बिटवीन होता है और सेम रिसोर्स के लिए होता है जो लिमिटिंग है, बट ये इंटायरली ट्रू नहीं है। अब कैसे ट्रू नहीं है, आगे यही एशियाटी ने दे रखा है कि मान लीजिए टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स, यहाँ पे टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती हुई दिखेंगे। यहाँ पे जो सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक है, सैलो साउथ अमेरिकन लेक में क्या है, जू प्लैंकटन है, इस जू प्लैंकटन के लिए दो डिफरेंट स्पीसीज कंप्लीट करती हुई दिख रही है। जू प्लैंकटन के लिए कौन कौन सी, एक विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेसिडेंट फिश, वहाँ की जो रेसिडेंट फिश है उसी लेक की जो रेसिडेंट फिश है और जो वहाँ विजिट कर रही है फ्लेमिंगो बर्ड, ये जू प्लैंकटन के लिए क्या हो रही है, जू प्लैंकटन के लिए कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ पे फूड तो कॉमन है, रिसोर्स तो कॉमन है, लेकिन स्पीसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है।
सेकेंडली यहाँ पे अगर कंपटीशन जरूरी नहीं है कि रिसोर्स अगर लिमिटेड है तभी होगा, रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं है मतलब अनलिमिटेड है तब भी वहाँ पे कंपटीशन अकर होगा. इन इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस कंपटीशन फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज. अगर इवन यहाँ पे जो रिसोर्स यानी कि जो फूड स्पेस है वो एबंडेंट है तब भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपटीशन हो रहा है, इंटरफेरेंस कंपटीशन हो रहा है. देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे, एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज कैसे मेजर करेंगे मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस आर वैल्यू से. आर मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज. इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोस्ट्रेट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जैसे कि गाउस का एक्सपेरिमेंट एंड अदर एक्सपेरिमेंट इकोलॉजिस्ट डिड. व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली इलिमिनेट द अदर, जो सुपीरियर स्पीसीज होगी कंपेटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इलिमिनेट कर देगी अदर स्पीसीज को इलिमिनेट कर देगी. यहाँ पे एक एबिंगडन टर्टवाइज जो गैलापागोस आइलैंड पे एबिंगडन टर्टवाइज है जो गैलापागोस आइलैंड पे था वो एक्सटिंक्ट हो गया. कैसे एक्सटिंक्ट, विद इन अ डिकेड आफ्टर ए गोट इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड. तो जब आइलैंड पे गोट का इंट्रोड्यूस करवाया गया तो डिकेड्स में ही ये जो एबिंगडन टर्टवाइज गैलापागोस आइलैंड पे थे वो एक्सटिंक्ट हो गए. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गोट था गोट ने ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, इसकी जो जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी ये बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से यहाँ से जो एबिंगडन टर्टवाइज गैलापागोस आइलैंड के एबिंगडन टर्टवाइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए. Another evidence for the occurrence of the competition in the nature come from what is called competitive release. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है. सो दैट यहाँ पे कहाँ पे रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे ये शो किया गया. यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैलनेस जो बैरेनिकल बैलनेस था, बैरेंकल बैलनेस डोमिनेट था, डोमिनेट किस पे था, बैरेंकल क्या था मुलस पे, बैरेंकल क्या था मुलस पे, क्या था डोमिनेट था. लार्जर एंड कंपेटिवली सुपीरियर बैरेंकल बैलनेस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बैरेंकल कैथामुलस फ्रॉम द जोन. जो ये क्या किया, बैरेंकल बैलनेस ने बैरेंकल कैथामुलस को अपने जोन से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. अब जनरल पॉइंट यहाँ पे लिखा है चार्टी ने कि हर्बीवोर प्लांट जो होते हैं मोर अफेक्टेड होते हैं बाय कंपटीशन से देन कार्निवोर होते हैं. कार्निवोर कम अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से कंपेयर टू हर्बीवोर प्लांट के कंपेयर में. गाउज कंपटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको मेमोराइज होना चाहिए. इनका स्टेटमेंट क्या था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीट फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिफिनिटली इंडिफिनिटली एंड द कंपटेटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेट. मतलब इसमें बोला गया था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर सेम रिसोर्स के लिए कंपटीट कर रही हैं तो वो कोएग्जिस्ट इंडिफिनिटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. जो इंफीरियर है, जो कंपटेटिवली इंफीरियर है, कमजोर है, वो एलिमिनेट हो जाएगा. और ये जो प्रिंसिपल है तभी सही है, तभी ट्रू है जब रिसोर्स क्या है, लिमिटिंग में है. जब रिसोर्स लिमिटेड है तभी ये प्रिंसिपल सही है, नहीं तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज नॉट ट्रू. यहाँ पे एक टर्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब अगर स्पीसीज कंपटीशन को अवॉइड कर रही हैं, कंपटीशन नहीं करना चाह रही हैं, तो वहाँ पे स्पीसीज क्या होंगी, कोएग्जिस्टेंस हो करेंगी, मतलब रिसोर्स का पार्टीशनिंग करेंगी. इफ टू स्पीसी अगर दो स्पीसीज हैं, अगर दो स्पीसीज कंपटीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए तो वो कंपटीशन को अवॉइड करें, कंपटीशन को अवॉइड करके क्या चूज करें, डिफरेंट टाइप पे फीडिंग, डिफरेंट टाइम पे फीडिंग करें और फॉरिंग पैटर्न को डिफरेंट कर लें, तो उसको बोलेंगे कि इन्होंने अपने रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लिया, अपने रिसोर्स का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया है. तो इसको बोलते हैं कि कंपटीशन को क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है. यहाँ पे मैकआर्थर ने एक एक्सपेरिमेंट, मैकआर्थर ने शो किया कि एक ट्री एक सेम ट्री पे फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वारबलर्स की रह रही थी, लिविंग थी, लेकिन ये अपने कंपटीशन को अवॉइड करके कोएग्जिस्ट मतलब एक साथ रह रही थी. और कैसे क्या कैसे ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस, यहाँ पे बिहेवियरल डिफरेंस था इनके बीच, फॉरेगिंग एक्टिविटी में डिफरेंस था. अब नेक्स्ट जो स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, प्लस माइनस. तो पैरासाइट्स की जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल पैरासाइट अपने आप को एक स्पेशल एडाप्टेशन में इवॉल्व करता है. तो पैरासाइट में क्या क्या होता है कि कैसे इवॉल्व होता है पैरासाइट, अपना अननेसेसरी सेंस ऑर्गन लॉस कर देता है, एडेसिव ऑर्गन या सकर इसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि होस्ट से चिपक सके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर देता है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अपनी बहुत ज़्यादा हाई रखता है. लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें एक या वन या टू इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या तो वेक्टर होते हैं इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट इसमें आएंगे या तो वेक्टर्स होते हैं. ह्यूमंस जैसे ह्यूमन लीवर फ्लक की बात करें जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, इसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल और दूसरा फिश. तो इसी इसमें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है कौन, लीवर फ्लक, ह्यूमन लीवर फ्लक जो कि ट्रिमेटोड पैरासाइट है. दूसरा मलेरिया पैरासाइट जो होता है, इसको एक वेक्टर की नीड होती है, मस्कीटो वेक्टर की नीड होती है ताकि ये स्प्रेड टू अदर होस्ट तक ये अपने आप को फैला सके, मलेरिया अदर होस्ट तक फैल सके. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट जो होस्ट को हार्म ही करते हैं, होस्ट को नुकसान ही करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट.
यहाँ पे पैरासाइट दो टाइप के हैं, पैरासाइट एक तो एक्टोपैरासाइट है, दूसरा एंडोपैरासाइट है। तो एक्टोपैरासाइट किसे बोलेंगे, अगर पैरासाइट होस्ट के एक्सटर्नल सर्फेस पे फीड कर रहा है, एक्सटर्नल सर्फेस पे रहकर फीड कर रहा है तो वो हो गया एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन पे जो लीक होती है एक्टोपैरासाइट हो गई, डॉग पर जो टिक्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल हो गया, मैराइन फिश, मेनी मैराइन फिश इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासाइट कोपोपोड्स, कास्कुटा पैरासाइट प्लांट, कास्कुटा पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड इन द ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट पे ग्रो करता है एंड हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब इन कॉन्ट्रास्ट अगर एंडोपैरासाइट देखें तो एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इन साइड द होस्ट बॉडी रहते हैं, डिफरेंट साइड पर से लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, डिफरेंट साइड पे ये लेकिन बॉडी के अंदर रहेंगे जो एंडोपैरासाइट होंगे। लाइफ साइकिल एंडोपैरासाइट मोर कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, बर्ड में देखा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म, जैसे कि कोयल और कौवे का जो केस होता है वो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल एक पैरासिटिज्म इन विद पैरासिटिक बर्ड अपने अंडे को कहाँ देती है, होस्ट के घोंसले में, होस्ट के घोंसले में देगी और होस्ट उसको क्या करेगा, इनक्यूबेट करेगा, इनक्यूबेट करेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस चांस ऑफ द होस्ट बट डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। ओके, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल है कोयल का और कौवे का, क्रो का, ठीक है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में एक को फायदा, दूसरे को, दूसरी स्पीशीज कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल। तो कॉमन सिस्टम का जो इंट्रेक्शन होता है इसमें एक स्पीशीज क्या होगी, बेनिफिटेड होगी, दूसरी तो ना ही बेनिफिटेड ना ही हार्म होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉमन सिस्टम का, तो पहला तो एग्जाम्पल हो गया, क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया इसका, आर्किड ग्रोइंग ऑन द एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, आर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच। एक दूसरा एग्जाम्पल बैरेंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। तीसरा कैटल कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। ये तीन एग्जाम्पल हो गए किसके, कॉमन सेल्जम के। इसमें तो जो ये इंट्रेक्शन, इसमें मैंगो का कोई भी फायदा ना, ना फायदा ना नुकसान है, लेकिन ये ऑर्किड का जो मैंगो पे ग्रो हो रहा है इसका फायदा है। और जो बैरेंकल जो है बैक ऑफ वेल पे, जो बैक ऑफ वेल पे ग्रो करती है, इसमें वेल का कोई नुकसान नहीं लेकिन बैरेंकल का फायदा है। ये क्या होता है, इसका क्या होता है कि ये प्रीडेशन से, इसमें प्रीडेटर का खतरा है बैरेंकल के पास नहीं होता है। तो ये हो गया कैटल अर्गेट और ग्रेजिंग कैटल में जो होता है, ग्रेजिंग कैटल का कोई नुकसान नहीं है ना फायदा है, लेकिन कैटल अर्गेट जो उसका होता है इसका फायदा है। ऐसे एग्जाम्पल है सी एनिमोन से जो होता है, सी एनिमोन दैट इज स्टिंगिंग टेंटिकल एंड क्लान फिश का जो एसोसिएशन होता है, इसमें सी एनिमोन और क्लान फिश के एसोसिएशन भी किस में आएगा, कॉमन सेल्जम में आएगा, कॉमन सेल्जम में आएगा। यहाँ पे फिश जो होती है प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम द प्रेडेटर से, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स, एंड एनिमोन का ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। एनिमल डज नॉट अपीयर डिराइव एनी बेनिफिट बाई होस्टिंग द क्लान फिश। म्यूचुअलिटी के केस में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, यानी कि दोनों स्पीसीज का इसमें बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिटी की रिलेशनशिप में इसमें फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी की रिलेशनशिप होता है, या फंगस और साइनोबैक्टीरिया की रिलेशनशिप। यहाँ पे माइक्रोलॉजी दिखाया गया, एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। इसमें फंजाई का, फंजाई हेल्प करती है प्लांट को, प्लांट फंजाई से, फंजाई की हेल्प करती है प्लांट की, प्लांट को एब्जॉर्ब करने, प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है फंजाई की मदद से, और बदले में प्लांट क्या देता है फंजाई को, कार्बोहाइड्रेट, फंजाई को क्या देता है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। यहाँ पे एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है कि जो फिग ट्री होता है, फिग ट्री को पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प, फिग ट्री और वास्प के बीच जो रिलेशन होता है वो म्यूचुअलिज्म होता है। यहाँ पे सिर्फ फिग, जो फिग ट्री स्पीसीज है वो सिर्फ पॉलिनेटेड होगी किसके द्वारा, वास्प स्पीसीज के द्वारा, किसी अदर स्पीसीज से ये पॉलिनेटेड नहीं होती है। फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन एग लेइंग बट यूज द डेवलपिंग सीड विथ इन द फ्रूट फॉर द नरिशिंग इट्स लार्वी। वास्प पॉलिनेशन द फिग इन्फ्लुएंसेस वाइज सर्च, मतलब वास्प जो होता है पॉलिनेट करता है फिग को, फिग इन्फ्लुएंसेस को कैसे, अपना जब जब सुटेबल एग लेइंग साइट को जब ये सर्च करता है उस टाइम। इन रिटर्न के बदले में फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ योर डेवलपिंग सीड फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वी। तो यहाँ पे आर्किड्स, आर्किड्स तो ये सो ये बेबिल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरल पैटर्न, मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट बी एंड बम्बल बी। तो यहाँ पे आर्किड प्लांट और बी, आर्किड और बी के बीच में म्यूचुअलिज्म है, आर्किड और बम्बल बी के बीच में म्यूचुअलिज्म है। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। सो यहाँ पे क्या दे रखा कि जो ये ओफायरस है, ओफायरस आर्किड मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस है, एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाई स्पीसीज ऑफ द बी। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फ्लावर है, फ्लावर का एक पेटल जो होता है वो फीमेल बी के साइज, कलर और मार्किंग से एकदम मैच करता है। तो जो मेल बी है इसके पेटल को, जो फ्लावर का पेटल है, ये जो ओफायरस के फ्लावर का पेटल है, ये मेल बी इस पिटल को फीमेल समझ के क्या करता है, इसको फीमेल समझ के स्यूडो कॉपुलेट करता है इस फीमेल फ्लावर, इस फ्लावर से, फिर जो फ्लावर का पिटल है उसे क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेट करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान डस्ट विथ द पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से कुछ पॉलन डस्ट आ जाते हैं उसकी बॉडी पे, किसके, मेल बी के बॉडी पे। अब अगेन जब ये इवन दिस सेम बी, जब ये सेम मेल भी स्यूडो कॉपुलेट करेगा अनदर फ्लावर से, तो फिर ये पॉलन को ट्रांसफर, पॉलन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका।
म्यूचुअलिज्म का, ठीक है।